सत्तरे साल के राज मोदी के राज के ना ऐसा बाइल बा ठीक बनवा चमकौला से होए कुछ ना होए जो नेवर गड़ाइल बनू वही से होए चमकौला से ना होए। हम उस दिन से कांग्रेस का समर्थन करने लगेंगे जिस दिन से कोई भी गरीब कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे, कोई भी गरीब कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे। हम भी सपोर्ट करने लगेंगे मोदी को जिस दिन 400 रुपया में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। क्या मोदी जी आपके ईमानदार हैं? अपने गुरु को बख्श भी नहीं किए तो पब्लिक को क्या बख्शेंगे? जब अपने गुरु को नहीं हुए तो पब्लिक क्या? सुनिए जानकारी का, सुनिए टेक्नोलॉजी बड़ी हाई चल गया। मोदी जी आज भक्त बना है, मोदी आज भक्त बना है, मोदी जी आज भक्त। सुनिए एक मिनट, हाँ 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 हम अंधभक्त हैं जो 55 साल से कांग्रेस का तलवा चाट रहा है एक ही परिवार का। वो क्या है, वो क्या है बताइए? फैक्ट्री भी है। अरे भैया क्या फैक्ट्री है? फैक्ट्री भी है, ठीक है ना? मैं हम तो कह रहे हम अंधभक्त हैं जो कांग्रेस का 55 साल से एक परिवार का तलवा चाट रहा। क्या खाने वाले लोग अंधभक्त ही ना होते हैं? हमरा बुझा था इनका अकाउंट में 15 लाख आयल बा, तब भी पूरा मोदी भक्त हब। देश बर्बाद होता ही नजर लेके आवा, लेकिन देश के बर्बाद करे में यो हाथ देता हूं साथ। 15 लाख भैया तारे अकाउंट में आयल बा, हमरा बुझा था पूरा। अररिया में कौन सा बीजेपी का शासन था? पत्रकार को गोली मार दिया, मणिपुर में लड़के के लंगटे कर देते। सुनिए ना भैया, अरे पहले पहले बिहार का सुनिए ना, पहले बिहार का सुनिए ना। नीतीश कुमार इंडिया से बाहर है, मणिपुर इंडिया से बाहर है। नहीं मतलब अपने मुर्गी बहुत अच्छा है, दूसरे का मुर्गी कुकु को। अरे भैया गलत बोल रहे हैं, नीलेश मुखिया ठीक है, बड़का के बेटी के लंगटे अगर घुमा दे ठीक है। भाई साहब बोले लंगटे घुमा, लंगटे घुमाने कौन बोला? मोदी बोला लंगटे घुमाने? अपराध बन पूछ कर करता है क्या? इधर सुन रहा है कि मणिपुर में बेटी को लंगटे घुमाने मोदी जी थोड़ा बोले थे? बोले थे क्या? कोई भी अपराध अपराध करने के कोई सरकार नहीं बोलता है, अपराध करने के कोई नेता नहीं बोलता है, इधर सुने, इधर सुने भाई, अपराध करने के कोई सरकार नहीं बोलती है। अपराध यहाँ करने वाला अपराधी यहाँ भी हो सकता है, अगर यही कहानी बिहार में होता तो किसको दोष देते? नीतीश कुमार को देते? नहीं, अपराध खुले आम कहीं भी हो रहा, आप इसके लिए सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। अपराध होगा सजा मिलेगा ना जी, 2000 की भीड़ में किया वो पकड़ाया, सजा मिलेगा उसको, प्रक्रिया हो रहा है। सजा देना हमारा काम नहीं है, सजा कोर्ट में जाएगा, सजा देगा। कब कब सजा मिलेगा? नेता को ब्लेम दीजिए, डायरेक्ट नेता को, मोदी को क्यों ब्लेम दे रहे हैं? मोदी बोला करने के लिए, मोदी पे मोदी, अगर यहाँ पे होता तो क्या नीतीश करवाता? नीतीश ब्लेम मत दीजिए, तो जिम्मेदारी ले सकता ना जी, अब इल्जाम दे रहे ना। हमरा बुझा था इनका अकाउंट में 15 लाख आयल बा, तब भी पूरा मोदी भक्त हब। देश बर्बाद होता ही नजर लेके आवा, लेकिन देश के बर्बाद करे में यो हाथ देता हूँ साथ। 15 लाख भैया तारे अकाउंट में आयल बा, हमरा बुझा था पूरा ना? मिला ना भैया, तने भैया से पूछे 15 लाख कैसा है? वो भी स्कीम हम भी अप्लाई लेंगे साल, हम बता रहे हैं इनको, सुनिए 15 लाख आपका अकाउंट में, 15 लाख आपके अकाउंट में इसलिए आया कश्मीर से धारा 370 सुन लीजिएगा, कश्मीर से धारा 370 35 एक खत्म, मोदी ने रेड किया, यही सबसे बड़ा चीज है ठीक है। 15 लाख रुपया ना आपका, आप कमा लीजिएगा, आपका बच्चे कमा लेंगे, बच्चा कमा लेंगे। भैया तो कि कश्मीर का 370 धारा मोदी जी हटाए कि कोर्ट हटाया? नहीं सुनिए ना, सुनिए 55 साल राज में कहां हो गया? आप पहले जानकारी पहले सही रखिए, गलत आप रखते हैं। इंडिया में, इंडिया में सब बन लो 70 साल के राज मोदी के राज के ना ऐसा बाइल बा ठीक बन भाई, चमकौला से होए कुछ ना होए, जो नेवर गड़ाइल बनू वही से होए, चमकौला से ना होए। यही से शुरू होला और यही खत्म होला, पैदा करने से नहीं होता, उसका मेंटेनेंस करने से, पैदा करने से क्या होगा, उसका मेंटेनेंस कीजिए ना जी।
पैदा नहीं होगा तो चल जाएगा अजीब भैया, पैदा होगा बाबूजी हाथ उंगली धरा के चलाएंगे तब ना चलेगा अजीब। ये बात बोल रहे भाई कि पैदा होने से होता है, भैया एक बात बोलेगा, बच्चा जब पैदा होता है माँ बाप ना सीख देता उसको चलाने के लिए। बोलिए मेरे सुनिए, इनके भाई साहब का क्या कहना है, हमारे जैसे लोग मोदी को देश को बर्बाद कर रहा है, मेरे बोलने से ना मोदी आएगा ना आपके बोलने से मोदी जाएगा। पब्लिक 400 बार पब्लिक को एक पब्लिक को ये पता चलेगा कि मोदी कितना गिरा हुआ इंसान है। बताइए ना विपक्ष में कौन है? जब एक मिनट मोदी आएगा भैया, अभी आप बोले ना कि मोदी के बोलने से या नहीं आएगा पब्लिक के बोलने से, तो सत्ता पलट दीजिए ना, पब्लिक के पलट देता है क्या चौक है? हम किसके भरोसे मोदी को गद्दी से हटा दे? किसके भरोसे मोदी को गद्दी से हटा दे बताइए? किसके देश में महंगाई हो रहा है भैया, तो हम क्या बोल रहे हैं? किसके भरोसे मैंने, कौन चेहरा होगा मोदी के अलावा, कौन चेहरा होगा? किसका बात बोलिए? राहुल गांधी के, राहुल गांधी के। किसके भरोसे? जिनको पता नहीं चलता आटा लीटर में मिलता है केजी में मिलता है। सुनिए, कुछ दिन पहले बोला जा रहा था कि राहुल गांधी जो है गांधी परिवार का नहीं है, क्या क्या वो तो महात्मा गांधी की, वो तो महात्मा गांधी का। भैया बोल रहा हूँ कि कांग्रेस में किसके राजनीतिक बा जो आटा लीटर सुना ला, हमारे केंद्र मंत्री हैं जो अमित शाह 46 लाख बोलते हैं, तो वो किसके भरोसे से केंद्र मंत्री हो गए? अब इनसे जवाब पूछिए भैया, राहुल गांधी को तो बोल दिए हैं कि जिसको आटा में तेल नहीं लीटर नपने आता तो हमारे केंद्र मंत्री जी कैसे बन गए हैं? अरे हम क्या पूछे, हम किनके भरोसे मोदी को गद्दी से हटा दे? इन्होंने राहुल गांधी के नाम लिया, राहुल गांधी को खुद नहीं पता चलता गांधी परिवार के अलावा उस व्यक्ति होता तो एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाता। वो गांधी परिवार का बेटा है और सोनिया गांधी का बेटा है, राजीव गांधी का पोता है, इस वजह से एक सांसद हो गया, नहीं तो उसमें किसी प्रकार कोई लायक का नहीं है। बाप का विरासत, बाप के विरासत को संभालना मुश्किल नहीं है, अपना खुद विरासत बनाना बहुत मुश्किल होती है। क्या कहिएगा भैया? भैया राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा भैया, नहीं हम बता रहे हैं, बोल दिया आप बोले हैं कि किसके रास्ते, ठीक है, क्या मोदी जी आपके ईमानदार हैं? अपने गुरु को बख्श भी नहीं किए तो पब्लिक को क्या बख्शेंगे? जब अपने गुरु को नहीं हुए तो पब्लिक के काम? मैंने क्या बोला? आप एक मिनट, आप बोले हमारे नेता को राहुल गांधी को कि उनको सांसद बनने की औकात नहीं है, ठीक है, ये आप बोले ना भैया, आप बोले कि नहीं? सर बोलिए, वो गांधी परिवार से चल रहे इसलिए सांसद बन गए, ठीक है। मोदी जी को इस दुनिया में लाने वाले, चाहे जो भी हो नेता बनाने वाले, अटल अडवाणी जी थे, ठीक। जब मोदी जी अडवाणी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो मोदी जी ने उनके भी पीठ में छुरा भोंक दिया, तो पब्लिक को क्या समझेंगे मोदी जी? हम क्या बोल रहे आपको? आप बोले एक ही सवाल है, आप किसी भी बोले कांग्रेस, सुनिए भैया, मैं उस दिन से कांग्रेस का समर्थन करने लगूंगा जिस दिन से कांग्रेस एक गरीब कार्यकर्ता होगा प्रधानमंत्री का। गरीबों का मसीहा कांग्रेस है, रहेगा, हमेशा रहेगा, ठीक है ना, और कोई नहीं आ सकता है। बस इतना करने लगूंगा जिस दिन से कांग्रेस के एक भी गरीब कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे, मैं उस दिन से आरजेडी का समर्थन करने लगूंगा। भैया आप किसी पॉलिटिक्स का सपोर्ट मत कीजिए, आप बेरोजगारी का सपोर्ट कीजिए, बेरोजगारी का सपोर्ट कीजिए भैया। भैया हमें, मेरा एक सवाल है ना, ये किसी पॉलिटिक्स से सपोर्ट करेंगे हम,
ये सिर्फ बेरोजगारी का सपोर्ट करे। 70 साल में पहले चल रही है, अभी चल रही है, कि किस में सारे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है यहाँ। यहाँ देखिए, निगेटिव माइंड मत कीजिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ जो है RJD और BJP का मैटर है। यहाँ RJD और BJP और कांग्रेस का मैटर है, तो यहाँ हिंदू मुस्लिम ना कीजिए। भैया हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये बोल रहे टीका लगा घूमना काम ठीक। हम उस दिन से कांग्रेस का समर्थन करने लगेंगे जिस दिन से कोई भी गरीब कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे, कोई भी गरीब कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे। मैं उस दिन एक हम भी सपोर्ट करने लगेंगे मोदी को जिस दिन 400 रुपया में गैस सिलेंडर मिलने लगेगा। भैया अरे सिलेंडर के 200 रुपए दाम घटा सर, तो 1300 रुपया में लिए कल ले लिए कल ले। टमाटर कैसे खाते हैं? टमाटर हिंदी न खाए। 2014 से पहले कितना एम्स था इंडिया में, कितना IIT कॉलेज था, कितना मेडिकल कॉलेज था, इसका जगह मोदी जी कहाँ कहाँ बनाए? पटना में कौन बनाया? हिमाचल प्रदेश में कौन बनाया? उत्तर प्रदेश में कौन बनाया? जानकारी है अभी? अरे जानकारी है पटना में एम्स का उद्घाटन कब हुआ? हिमाचल प्रदेश में एम्स का उद्घाटन कब हुआ? सुनिए जानकारी को सुनिए। अनभक्ति का कीड़ा काट लिया है, अनभक्ति का कीड़ा काट लिया है। मोदी जी बनवाए हैं एम्स, मोदी है, मोदी जी एम्स बनवाए। कौन बोल रहा है? टेक्नोलॉजी बड़ी हाई चल गया, सब चीज बन जाएगा। हमारे भारत में आज हमारे भारत में टेक्निकल दुनिया डेवलप है, वो मोदी का देन है। मोदी जी अनभक्त बनाए हैं, हम अंधभक्त हैं जो 55 साल से कांग्रेस का तलवा चाट रहा है एक परिवार का। वो क्या है? बताइए। फैक्ट्री भी है। अरे भैया क्या फैक्ट्री है? फैक्ट्री भी है, ठीक है ना? मैं हम तो कह रहे हम अंधभक्त हैं जो कांग्रेस का 55 साल से एक परिवार का तलवा चाट रहा हूँ। क्या खाने वाले लोग अंधभक्त ही ना होते? सुने एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अपना मोदी के लिए भी हाथ खड़ा करो। मोदी के लिए कितना हाथ खड़ा होता है? सुनिए।